दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। ये जो वर्क है बहुत ही फेमस वर्क है, इसको ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया था और बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया। 500 BCE से लेकर 500 CE तक इसको लिखा गया था, ये एस्टिमेटेड टाइम है, माना जाता है ऐसा। मैं आपको बता दूं कि इसको लिखा था भरत मुनि ने। भरत मुनि इंडियन थिएटर आर्ट फॉर्म्स के फादर माने जाते हैं दोस्तों। इसके अंदर हम लोग नाट्यशास्त्र को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ रसा थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रसा थ्योरी मतलब रस थ्योरी, जिसको हिंदी में बोला जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को भरत मुनि और नाट्यशास्त्र दोनों का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। भरत मुनि के बारे में किसी को नहीं पता, उनकी वो किस काल के थे, कब के थे, ये तो दूर की बात है। लोगों को ये भी नहीं पता कि वो एक सिंगल आदमी थे या उनकी एक पूरी सीरीज़ थी भरत मुनि की। और दूसरी चीज़ ये कि ये अपने नाट्यशास्त्र के लिए बहुत फेमस हैं। नाट्यशास्त्र दोस्तों ओरिजिनली पूरा कहीं नहीं मिलेगा, ये संस्कृत का टेक्स्ट है और जो भी मिलेगा पूरा मिलेगा वो बनावटी मिलेगा। यानी कि जब नाट्यशास्त्र लिख लिया गया उसके बाद में बहुत सारी टिकाएँ लिखी गई उस पर, लेकिन नाट्यशास्त्र ओरिजिनली पूरा टेक्स्ट नहीं मिलेगा और ये संस्कृत में लिखा गया था जैसा कि मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता दूं, नाट्यशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ नाटक के बारे में बताया जाएगा या फिर डांस के बारे में बताया जाएगा। नाट्यशास्त्र सिर्फ नाटक के बारे में नहीं बताता, बल्कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल है। बहुत सारे लोगों को इसके नाम से गलतफहमी हो जाती है, इसका नाम देखकर लोगों को लगता है कि ये नाट्यशास्त्र मतलब नाटक शास्त्र के बारे में होगा। इसको पहले भरत शास्त्र भी बोला जाता था, भरत शास्त्र बोला जाता था तो इतनी कन्फ्यूज़न नहीं थी। दोस्तों ये बहुत ही पुराना टेक्स्ट है, इतना पुराना टेक्स्ट है कि आज के जो मॉडर्न कल्चर जिनको आज हम फॉलो कर रहे हैं, जिस वक्त इन कल्चर्स को अपना अता पता नहीं था उस वक्त हम थिएटर परफॉर्म कर रहे थे, यानी कि 5th century BC के आसपास। अब सबसे ज़रूरी बात कि इसके अंदर 36 चैप्टर्स हैं और 6000 श्लोक। श्लोक का मतलब इंग्लिश में बोलूँ तो संस्कृत पार्टिक वर्ड्स। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस नाट्यशास्त्र में नाटक भी शामिल है, नाटक यानी कि ड्रामा या फिर प्ले। नाटक के स्ट्रक्चर, एक्टिंग, बॉडी मूवमेंट्स, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, म्यूजिक स्केल्स और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इसको बताया गया है इसके अंदर। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है नाट्यशास्त्र में। अब इसके 36 चैप्टर्स के अंदर 6th और 7th चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 6th चैप्टर का नाम है रसा और 7th चैप्टर का नाम है भाव। रस जो कि ड्रामा में जान डालते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये बताऊंगा कि इस नाट्यशास्त्र को लिखा क्यों गया। तो दोस्तों खाली टाइम में ज़िंदगी के जो 4 मकसद होते हैं, रिलीजन, पैसा, काम और मोक्ष, इन सब के बारे में ड्रामा के थ्रू बताया जाए, ये इसका मकसद था नाट्यशास्त्र का। और एक बात और ध्यान देने वाली सबसे ज़रूरी बात कि इस नाट्यशास्त्र को त्रेता युग में लिखा गया था, क्योंकि इस वक्त लोग बड़े परेशान थे। तो ऐसे में ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने चारों वर्णों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के लिए एक नया वेद तैयार किया। हमारे 4 वेद होते हैं, उनके अलावा एक नया वेद बनाया गया, ब्रह्मा जी ने इस वेद को बनाया था, जिसका नाम दिया गया नाट्य वेद। और ये एक ऐसा वेद है जिसमें चारों वेदों से कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है उससे पढ़ने वाली चीज़ ली गई है, सामवेद से म्यूज़िक लिया गया है, यजुर्वेद से एक्टिंग ली गई है और अथर्ववेद से रस लिया गया है। तो इन चारों वेदों में से कुछ ना कुछ चीज़ लेकर के ब्रह्मा जी ने एक वेद बनाया नाट्य वेद। और भरत मुनि को कहा, भरत मुनि को चुना कि तुम इन सब का यूज़ करके एक नाट्यशास्त्र बनाओ। तो भरत मुनि ने इनका यूज़ करके ब्रह्मा जी के आदेश पर नाट्यशास्त्र बनाया। तो इसके ये पीछे की स्टोरी है। और इन भरत मुनि के 100 बेटे थे, 100 पुत्र थे। अपने उन 100 बेटों को भरत मुनि ने इस नाट्यशास्त्र के बारे में पढ़ाया, बताया। अब दोस्तों इस नाट्यशास्त्र में एक एक श्लोक में, एक एक वर्ड के अंदर इतना डिटेल से सब कुछ लिखा गया है कि अगर हमको संस्कृत भाषा आती भी है तब भी हम इसे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक एक वर्ड का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मतलब निकल निकल कर आता है। भरत मुनि के 100 बेटे थे,
उनको इन्होंने नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ाया, लेकिन भरत मुनि के पास जो श्रृंगार रस था उसके लिए लेडी एक्टर्स की ज़रूरत थी, वो थी नहीं भरत मुनि के पास में। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट की, तो ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को अप्सराएं दी। नारद जी ने गांधर्व वेद के बारे में बताया और शिव जी के असिस्टेंट ने डांस सिखाया, भरत मुनि को डांस के बारे में बताया। इसके बाद में भरत मुनि ने एक थिएटर बनाया और एक हफ्ते तक भूमि पूजन के बाद में ब्राह्मणों ने वहाँ पर जप किया और उसके बाद भरत मुनि ने अपने 100 बेटों के नाम गिनवाना शुरू किए। ये बताया गया है सब कुछ नाट्यशास्त्र में। इसके बाद नाट्यशास्त्र में भरत मुनि लिखते हैं कि उनको जो सुन रहे हैं, जिनको वो ये सब बता रहे हैं, उन्होंने पूछा कि नाट्यशास्त्र आया कैसे, पैदा कैसे हुआ, ये इसके पीछे की कहानी बताओ। तो भरत मुनि बताते हैं कि 4 वेद थे, लेकिन ये चारों वेदों को सभी वर्ण नहीं पढ़ सकते थे, मतलब शूद्र तो ना तो इसको पढ़ सकते थे ना सुन सकते थे। आई होप आप सबको पता होगा, शूद्र वेदों को ना पहले पढ़ सकते थे ना सुन सकते थे। तो एक दिन इंद्र भगवान ने ब्रह्मा जी से जाकर रिक्वेस्ट की कि आप हर एक वर्ण के लिए एक ऐसी चीज़ बनाओ जिसे सुनने और देखने पर मज़ा आए। तो देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से जाकर के रिक्वेस्ट की, तो ब्रह्मा जी ने 4 वेदों से 8 गुण लिए, 8 गुण लिए और 5वें वेद नाट्य शास्त्र में डाल दिए वो 8 गुण। और भरत मुनि यानी कि मुझे, भरत मुनि बोल रहे हैं कि मुझे ये काम दिया कि तुम इसको यूज़ करके कुछ बनाओ, और मुझे उन्होंने अपने काम के लिए अप्सराएं भी दी। फिर अब मैंने जब उसको रेडी कर लिया जो उन्होंने मुझे काम दिया था, तो इंद्रध्वज में हमने वो एक्ट परफॉर्म किया। इंद्रध्वज नाम की जगह पर वो एक्ट परफॉर्म किया गया था, अमृत मंथन और त्रिपुर दाह नाम के कोई एक्ट थे, वो परफॉर्म किए गए थे। तो ब्रह्मा, ये शिवजी देख रहे थे ये एक्ट, तो ब्रह्मा जी ने शिवजी से पूछा कि कैसा लगा आपको हमारा एक्सपेरिमेंट। तो शिवजी ने कहा कि इसमें अगर डांस जोड़ दो, डांस को अगर जोड़ दो इसके अंदर, तो ये और भी खूबसूरत हो जाएगा। तो शिवजी का एक स्टूडेंट था तंडू नाम का, तो शिवजी ने उससे कहा कि तुम भरत मुनि को डांस सिखाओ। फिर नाट्य शास्त्र में डांस भी आ गया, लेडीज़ नहीं थी, लेडीज़ भी शामिल हो गई और शूद्र भी इसको सुनने के लायक हो गए। इसके बाद में जो परफॉर्मेंस दी गई, तो दैत्य और असुर वो हड़कंप मचाने लग गए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनकी इसमें बुराई की जा रही है। तो इसके बाद देवराज इंद्र ने वहाँ पर हड़कंप मचाने की वजह से उन दैत्यों और असुरों को, अपने कोई हथियार था उनका, उससे बहुत पीटा, सबक सिखाया। अब दैत्य और असुर भाग भी गए, लेकिन डर था कि ये वापस आ सकते हैं, तो इनको धरती पर भेज दिया गया, भरत मुनि और इनके जो भी थे पुत्रों को धरती पर भेज दिया गया। और अब यहाँ पर परफॉर्मेंस दी जाएगी। तो ये तो हो गई नाट्यशास्त्र की बैकग्राउंड स्टोरी। अब सीधा पॉइंट पर आते हैं कि इसके अंदर 36 चैप्टर्स हैं और हमारे काम के 2 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर और 7 चैप्टर। 6 चैप्टर के अंदर है रस और 7 चैप्टर के अंदर है भाव। तो चैप्टर 6 रसा थ्योरी। रस क्या होता है? निचोड़, किसी भी चीज़ का निचोड़। रस का मतलब होता है इमोशंस। इमोशंस किसके बीच में? एक ड्रामा देखने वाले के बीच में और ड्रामा परफॉर्म करने वाले के बीच में। तो रस क्या काम करते हैं? हमारी फीलिंग्स को भड़काते हैं। भरत मुनि के हिसाब से 8 रस होते हैं, 8 रसों के बारे में भरत मुनि ने बताया है, और 8ों रसों के 8 गॉड्स हैं और 8 कलर हैं। अब इनमें और भी रस जोड़े गए हैं आने वाले टाइम में, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे और भी रस जुड़े इसके अंदर। तो ओरिजिनल नाट्य शास्त्र में तो 8 ही रस हैं, नवा रस जोड़ा था इसके अंदर अभिनव गुप्त ने, शांत रस था उसका नाम। तो 8 रस के नाम मैं आपको बताता हूँ, श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस, भीमत्स्य रस, करुण रस, अद्भुत रस, हास्य रस और भयानक रस। ये 8 टाइप के इमोशंस हैं। जहाँ तक बात की जाए भावों की, तो वो होती है फीलिंग्स। आपको रस और भाव में मैं अंतर बताता हूँ। ये रस और भाव, ये दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी भी हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे से अलग भी हैं। हालांकि दोनों ही दिखाई नहीं देते, रस और भाव। हम इस संसार में, इस पूरे वर्ल्ड में किसी भी चीज़ के संपर्क में आते हैं तो मन में भाव आते हैं, फीलिंग्स आती है। भाव का मतलब होता है फीलिंग्स। ये भाव सुख के भी हो सकते हैं और दुख के भी हो सकते हैं, लेकिन
रस में हमको सिर्फ सुख मिलता है, क्योंकि रस का मतलब सिर्फ एक ही होता है, आनंद, सुख। रस आठ होते हैं जबकि भावों की तो गिनती ही नहीं है, भाव बहुत सारे हो सकते हैं। रस जो होते हैं वो दिमागी भूख को मिटाने का काम करते हैं। अब दोस्तों मैं इन सभी रसों के नाम के साथ साथ इनको बताता हूँ, इनका मतलब भी बताता हूँ। श्रृंगार रस का मतलब होता है रोमांस, और इससे एरोटिक फीलिंग्स आती हैं, यानी कि भाव आते हैं एरोटिक। हास्य रस में होता है ह्यूमर, यानी कि इसमें लाफ, हंसने की फीलिंग आती है, हंसने का भाव आता है। करुण रस का मतलब होता है किसी के प्रति करुणा, तो इसमें सैडनेस की फीलिंग आती है, सैडनेस का भाव आता है। ऐसे ही रौद्र रस में एंगर का भाव, वीर रस में हीरोइक भाव और हीरोइक फीलिंग, भयानक रस में टेरेबल यानी कि फियर, डर का भाव, विभत्स में नफरत का भाव, डिस्गस्ट, और अद्भुत रस में अमेजमेंट यानी कि चकित, हैरान होने का भाव। शांत रस दोस्तों इसके अंदर अभिनव गुप्ता ने जोड़ा था, उसको इतना डिटेल से अभिनव गुप्ता ने नहीं बताया। आगे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इन सारे रसों के गॉड्स कौन कौन से हैं। श्रृंगार रस जो हैं इसके गॉड हैं विष्णु, और इनका कलर है लाइट ग्रीन। हास्य रस के गॉड हैं गणेश, जिनका कलर है वाइट। रौद्र रस के गॉड हैं रुद्रा, और इनका कलर है रेड। करुण रस के गॉड हैं शिव, उनका कलर है ब्लू। भयानक रस की गॉडेस हैं काली, उनका कलर है ब्लैक। वीर रस के गॉड हैं देवराज इंद्र, उनका कलर है हल्का येलो, लाइट येलो। अद्भुत रस के गॉड हैं ब्रह्मा, और उनका कलर है पीला येलो। तो दोस्तों ये कलर्स क्यों रखे गए हैं? कलर्स रखने के पीछे मकसद ये है, आपने ऑरा सुना होगा, एक आदमी का एक ऑरा होता है, तो जैसा जैसा जिसका स्वभाव वैसा वैसा उसका ऑरा। जैसे मान लो कोई ज़्यादा गुस्सा करता है तो उसका ऑरा रेड कलर का हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हद तक हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।